ईद के कपड़ों की शॉपिंग वैरायटी कलेक्शन से। भिवंडी का 45 साल पुराना क्लोथ स्टोर, जिसके बारे में कहा जाता है कि नाम ही काफी है। यहां आपको ब्रांडेड, इंपोर्टेड और बेहतरीन क्वालिटी के कपड़े मिलेंगे। कपड़ों के मामले में वैरायटी कलेक्शन हमेशा से ही भिवंडीकर्स की पहली पसंद रहा है। कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस आप इस वीडियो में देख सकते हैं। स्टेट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो ने पालघर डिस्ट्रिक्ट के सिविल सर्जन से 20 साला ट्राइबल औरत की डिलीवरी के दौरान मौत का एक्सप्लेनेशन मांगा। बताया जा रहा है कि मृत औरत जौहर तालुका की रहने वाली थी और बोल और सुन नहीं सकती थी। डिलीवरी के लिए जब उसे पालघर रूरल हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां सी सेक्शन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। प्री मिश्योर बर्थ होने के बाद महिला के घर वाले उसे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेकर भागते रहे, पर माँ और बच्चा दोनों जान गंवा बैठे। डेप्थ ने 16 अप्रैल को मिड डे कवर स्टोरी के बाद ये स्टेप उठाया। डॉक्टर संजय बोदाड़े, सिविल सर्जन पालघर रूरल हॉस्पिटल ने बताया कि उन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन स्टेट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो को भेज दिया है और ये प्रोसीड्यूर नॉर्मल है। MSEDCL ने फ्राइडे 22 अप्रैल को ये ऐलान किया है कि महाराष्ट्र के लिए 15 लाख नए इलेक्ट्रिसिटी मीटर खरीदे जा रहे हैं, जिससे खराब मीटर को बदलने और नए कनेक्शन लेने में काफी आसानी होगी। साथ ही ये भी बताया गया है कि 1 लाख मीटर का पहला बैच 30 अप्रैल को पहुंच जाएगा, जबकि मई में तकरीबन 2 लाख मीटर और इसी साल जून सितंबर तक 3 लाख मीटर आ जाएंगे। महाराष्ट्र में द डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने सभी हॉस्पिटल्स को ऑर्डर दिया है कि किसी भी बॉडी ऑर्गेन ट्रांसप्लांट से पहले डोनर यानी ऑर्गेन डोनेट करने वाले के डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से चेक करें और इस बात की भी तहकीकात करें कि इस ट्रांसप्लांट के पीछे पैसों का लेन देन तो नहीं हो रहा, क्योंकि हाल ही में कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस ऑर्डर पर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने नाराजगी भी जताई है। उनका कहना है कि इससे लोग डोनेट करने से पीछे हट जाएंगे। महाराष्ट्र में FYJC यानी फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज का एडमिशन मई में शुरू किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 17 मई तक एडमिशन का पहला पार्ट ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए रखा जाएगा, जिसमें स्टूडेंट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, जबकि दूसरा पार्ट SSC का रिजल्ट आने के बाद रखा जाएगा, जिसमें SSC मार्क्स वगैरह की डिटेल होगी। इस साल एडमिशन के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे अब सबसे पहले एडमिशन फॉर्म भरने के बेस पर नहीं बल्कि मेरिट लिस्ट के बेस पर एडमिशन दिया जाएगा। भिवंडी में एक गोडाउन से करोड़ों की चांदी की चीजें चोरी हो गई। ये घटना थर्सडे और फ्राइडे के बीच की रात की है, जब गोडाउन से चोरों ने 1.25 करोड़ की कीमत की चांदी की चीजें ही चुरा ली। भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और जांच भी जारी है, लेकिन अब तक पुलिस को कुछ हाथ नहीं लग सका। भिवंडी कॉरपोरेशन की तरफ से अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम ठेकेदारों को देकर शुरू किया गया था, जिस काम के लिए 2 साल काफी थे, लेकिन 5 साल पूरे होने के बावजूद अब तक इस काम को पूरा नहीं किया गया है। टोटल 159 किलोमीटर ड्रेनेज लाइन में से सिर्फ 125 किलोमीटर तक का काम ही अब तक पूरा हो सका है, जिस बात पर जनता भी काफी नाराज है और ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। लेकिन भिवंडी शहर अभियंता LP गायकवाड़ का कहना है कि 2 साल कोरोना की वजह से काम में देरी हुई। महाराष्ट्र में SSC और HSC 2022 के रिजल्ट को डिले किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से टीचर्स ने इवैल्यूएशन यानी पेपर करेक्शन के काम का बॉयकॉट कर दिया है। महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से मई के दूसरे हफ्ते तक रिजल्ट्स आ जाने चाहिए थे, लेकिन अब तक कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है, क्योंकि 100% ग्रांट की मांग करते हुए कुछ अनएडेड स्कूल्स टीचर्स ने इवैल्यूएशन के काम का बॉयकॉट कर दिया है। हालांकि बोर्ड की तरफ से उन स्कूल्स को वार्निंग भी दी गई है, लेकिन इन सब मसलों का असर SSC HSC की रिजल्ट डेट पर पड़ सकता है। जब से MNS चीफ राज ठाकरे ने अजान और लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया है, तब से हर जगह मस्जिदों पर शरपसंद हमले कर रहे हैं और मजहब के नाम पर फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको देखते हुए भिवंडी में भी मस्जिदों पर CCTV कैमरे लगाने की अपील की गई है कि अगर कभी कोई मसला होता है तो सब कुछ CCTV फुटेज में कैद हो जाए और हमारे पास इंसाफ के लिए सबूत हो। भिवंडी के मीनाताई ठोकरे ऑडिटोरियम की मरम्मत के लिए 10.5 करोड़ रुपए के फंड को मिली मंजूरी। ये ऑडिटोरियम भिवंडी में 1500 सीट्स वाला पहला ऑडिटोरियम बनाया गया था, लेकिन खस्ता हालत की वजह से पिछले 5 सालों से ये खंडर बन चुका था और बंद पड़ा था।
हालांकि इसकी मरम्मत के फंड की मंजूरी दो साल पहले दी जा चुकी थी, लेकिन अब इसकी मरम्मत का टेंडर जारी होने की वजह से ये उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही इसकी मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। भिवंडी पुलिस को सतर्क रहने और काम करने के लिए डिफेंस और सेफ्टी के कई इक्विपमेंट्स दिए गए। डीसीपी योगेश चौहान ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन इंचार्ज शीतल राउत की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो सेफ्टी के सामान पहने हुए हैं। इस फोटो के साथ डीसीपी ने सारी जानकारी दी। आपको हमारी टॉप न्यूज टुडे कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस काम को बेहतर करने के लिए अपनी राय भी दें। अगर आप अपने इलाके की कोई न्यूज हमें देना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।